दोस्तों आज के इस वीडियो पर रिव्यू करने वाले हैं 2023 न्यू TVS जुपिटर 110 सीसी मिडनाइट ब्लैक ZX वेरिएंट का, जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस स्कूटर की ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो 1,06,500 रुपये का आपको स्कूटर ऑन रोड मिल जाता है जयपुर सिटी के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्कूटर की फ्रंट प्रोफाइल से। तो इसके फ्रंट में आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है जो इंजन स्टार्ट होने के बाद में ऑन होती है। यहाँ पर आपको क्रोम का वर्क देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको TVS का लोगो 3D क्रोम में मिलने वाला है। इस बाइक के अंदर आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी का फीचर्स मिल जाता है, जिससे आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन वगैरह इस स्कूटर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर सीन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हेलोजन इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। इसके फ्रंट में आपको डे टाइम रनिंग लाइट देखने को मिल जाता है। इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। 220 mm की डिस्क आपको यहाँ पे मिल जाती है। सस्पेंशन के ऊपर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, जो नाइट वगैरह के लिए काफी अच्छा फीचर्स आपको इस स्कूटर के अंदर मिल जाता है। इसके फ्रंट में टायर सेक्शन की बात करूँ तो 19-19 12 इंचेस के ट्यूबलेस टायर आपको इस स्कूटर के अंदर मिल जाते हैं। अब बात लेते हैं इस स्कूटर के डैशबोर्ड की। मेरी हाइट लगभग 5 feet 7 inches है, आप देख पा रहे हो काफी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। चलिए कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन। तो इसके अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हेलमेट का साइन, डिजिटल क्लॉक, ट्रिप 1 ट्रिप 2, रियल टाइम माइलेज, डिस्टेंस टू MPT, लो फ्यूल वार्निंग, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ, इको मोड, पावर मोड जैसे फीचर्स आपको इस स्कूटर के अंदर मिल जाते हैं। इस स्कूटर के अंदर आपको ब्लूटूथ का फीचर्स मिल जाता है, जिससे आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन वगैरह इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर सीन कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। सिंगल हॉर्न के साथ में आपको स्कूटर देखने को मिल जाता है। साइड में आपको इंजन किल स्विच के अंदर मिल जाता है। साइड में आपको इस स्कूटर के अंदर चार्जिंग पॉइंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये अच्छा फीचर्स आपके अंदर मिलता है। स्टोरेज बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो मोबाइल वगैरह चार्ज आप यहाँ से कर सकते हो। कैरी हुक आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है। अब मैं एक बार आपको इस स्कूटर का सीट स्टोरेज दिखा देता हूँ। तो TVS जुपिटर के अंदर आपको काफी अच्छा सीट स्टोरेज देखने को मिलता है। तो चलिए करते हैं इसकी सीट को ओपन। तो भाई इस बाइक के अंदर आपको ड्यूल टोन कलर की सीट देखने को मिल जाती है। इस स्कूटर की सीट हाइट की बात करूँ तो 765 mm की सीट हाइट मिल जाती है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसकी सीट ओपन करके इसका स्टोरेज दिखा देता हूँ। तो इस स्कूटर के अंदर आपको कुछ इस तरीके का स्टोरेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप हेलमेट वगैरह माउंट कर सकते हो। उसके अलावा भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत और स्पेस देखने को मिल जाता है। तो 110 सीसी सेगमेंट के अंदर आपको सिंगल हेलमेट का स्टोरेज देखने को मिलता है। अगर आप इसके 125 सीसी वेरिएंट को कंसिडर करते हो तो उसका जो सीट स्टोरेज है वो आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है। इस स्कूटर के माइलेज की बात करूँ, ये स्कूटर आपको 40 से 45 का माइलेज इजीली निकाल कर देता है। इसके साइड में आपको जुपिटर ZX की ब्रांडिंग देखने को मिलती है 3D क्रोम में कुछ इस तरीके के। स्कूटर आपको मैट फिनिशिंग ऑप्शन के साथ में देखने को मिल जाता है। पिलियन के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके इंजन की बात करूँ तो 110 सीसी का एयर कूल इंजन आपको इस स्कूटर के अंदर मिल जाता है, जो 7.7 BHP की पावर जनरेट करता है, 8.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। स्कूटर के अंदर आपको 107 kg का कर्वेट देखने को मिल जाता है। 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस स्कूटर के अंदर मिल जाता है। अब बात लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। तो इसके रियर आपको बैकरेस्ट देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का। 5.5 liter की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। E20 का अपडेट देखने को मिलता है। इसके रियर में आपको हेलोजन टेल लाइट देखने को मिलती है कुछ इस तरीके के। हेलोजन इंडिकेटर आपको इस स्कूटर के रियर प्रोफाइल के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके रियर में सस्पेंशन की बात करूँ तो 3-step एडजस्टेबल स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन आपको इसके रियर प्रोफाइल में देखने को मिलता है। इसके रियर में आपको 130 mm के ड्रम ब्रेक, 19-19 12 inches के ट्यूबलेस टायर आपको इस स्कूटर के रियर प्रोफाइल के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ये था 2023 लेटेस्ट मॉडल TVS जुपिटर मिडनाइट ZX वेरिएंट का एक स्मॉल सा रिव्यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहे।